कहाँ से कहाँ तक का वहाँ जुलूस है? आज कचहरी से अम्बेडकर प्रतिमा पत्थर काले तक ये जाएगी, वहाँ पर माला चढ़ा के वापस हम लोग कांड कचहरी आएंगे। कितनी संख्या में अधिवक्ता शामिल हो रहे हैं? हजारों की संख्या में, यहाँ संख्या गिनना संभव नहीं है। अगर आपकी मांगे पूरी न रखी तो ये नहीं, मांगे तो पूरी होंगी, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे। अनिश्चित लड़ाई है। एडवोकेट कानपुर बार एसोसिएशन, आज हम लोगों की जनरल हाउस हुई है, उसमें भी तय हुआ है संविधान के अनुसार हम लोग वाहन यात्रा निकालेंगे कानपुर बार एसोसिएशन शताब्दी गेट से और अम्बेडकर जी तिलक पत्थर पैलेस तक, और हम सब अधिवक्ता भाई बंधु एक साथ चलेंगे और ये शांतिपूर्वक जुलूस जाएगा। और जब तक हमारे यहाँ का डीजे नहीं जाएगा तब तक हम लोग यूँ ही कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे और हर दिन एक प्रत्येक दिन नया आंदोलन होगा। धन्यवाद। मैं श्रीकांत मिश्रा एडवोकेट कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारा लोगों का जो ये अनशन और धरना और स्ट्राइक चल रही है, ये जिला जज के अमानवीय व्यवहार की वजह से आम अधिवक्ताओं से, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं जो उनसे बहुत अमर्यादित आचरण करते हैं और अमर्यादित भाषा बोलते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। और आज हम लोगों का उसके तत्क्रम में उसी प्रोग्राम में जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसमें आज हम लोगों का वाहन जुलूस और जनरल हाउस था, क्योंकि जनरल हाउस में हमारी कार्यकारिणी माननीय अध्यक्ष जी श्री नरेश चंद्र त्रिपाठी जी और महामंत्री जी दोनों कार्यकारिणियों ने जो आम राय से जनरल हाउस के जरिए स्ट्राइक का ये हुई थी, ये कोई कार्यकारिणी की स्ट्राइक नहीं थी, सारे अधिवक्ताओं की स्ट्राइक थी, जनरल हाउस के द्वारा निर्धारित की गई थी। और अभी हाई कोर्ट ने उनको तलब किया, 7 जज की बेंच ने, कि आप ये स्ट्राइक कैसे किए हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी दोनों कार्यकारिणियों ने उन्हें ये बताया कि ये स्ट्राइक मैंने स्वयं नहीं की है, कानपुर का आम अधिवक्ता और जो जनरल हाउस के जरिए पूरे अधिवक्ताओं की राय से जो निर्णय हुआ है वो निर्णय मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती उसके एवज में क्या करेंगे? तो हम लोग तो ये अभी हम लोगों का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है कि प्रदेश के सारे अधिवक्ताओं के पदाधिकारियों के, हर जिलों के पदाधिकारियों का यहाँ पे बुलाई गई मीटिंग का आलाप है, सम्मेलन है, अभी हम लोग उसमें रणनीति बनाएंगे, रणनीति तय करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने तो जो न्यायिक जुडिशियर भ्रष्टाचार है उस पर आवाज उठाई है माननीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पे, और हाईकोर्ट बार में हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष ने इस बात को सराहा और उनने कहा कि ऐसा अध्यक्ष तो कानपुर में हाई कोर्ट कानपुर बार में नहीं हाई कोर्ट बार में होना चाहिए था। और मान इसके इसके एवज में क्या माने, ये हड़ताल कब तक चलेगी? अब ये हड़ताल डीजे जब तक नहीं जाएगा, एक्चुअली ऐसा है, अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती वकालत में, दिक्कत आती है, कास्ट कुछ करनी है, डीजे कास्ट कुछ कर रहा है, कास्ट 100 रुपये करनी है, डीजे 5000 कर रहा है, तो अधिवक्ता उसको कह रहा कि नहीं सर आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो कह रहा नहीं अब ऐसा होगा, 30 डेटें पड़ी, 1.5 लाख रुपये कास्ट बन के आ रही है, तो क्लाइंट का भी उसमें नुकसान कर रहा है। क्लाइंट अपनी बात किसके जरिए कहेगा? क्लाइंट की बात तो हम ही कहेंगे जब वो किसी की बात नहीं मान रहा है। और न्याय सुलभ न्याय कानून ये जनता के लिए है ना, और जनता परेशान है, वकील के जरिए बात अगर नहीं कह पाएगी जनता अपनी तो कैसे क्या, जब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा और जिला जज को कानपुर से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये स्ट्राइक अनवरत चलेगी। थैंक यू।